हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। तो तमिलनाडु में अभी मोदी किचन की शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये हैंडमेड नोट सर, कोयम्बटूर में यह शुरू किया गया है और इस मोदी किचन के द्वारा 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गरीब हैं उनके भोजन की व्यवस्था की गई है और यह पार्सल के द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना अनुमान लगाया है। तो 2.6% GDP ग्रोथ रेट लगाया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं GDP क्या है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को GDP, इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं SBI के बारे में कुछ बता दूं आपको। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका पुराना नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका टैगलाइन है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन और इसके प्रेजेंट के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। अर्थ आवर डे किस संगठन द्वारा मनाया जाता है। WWF द्वारा अर्थ आवर डे मनाया जाता है। WWF द्वारा बिजली बचाने के मकसद से दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को बिजली के महत्व के बारे में और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। इसका थीम है जलवायु परिवर्तन को थामने के कदम और सतत विकास। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हिंदी नाम है विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर का स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 फुट खिलाड़ी नवीन चिकारा पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इन पर अभी 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वर्ल्ड एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने यह प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों, 60 फुट खिलाड़ी वह गेम होता है जिसमें एक आयरन का मतलब लोहे का गोला लेकर गर्दन से सटाकर फेंका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोबाइल कंपनी ने COVID-19 की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टिकटॉक, रियलमी। तो एप्पल कंपनी ने ऐप लॉन्च किया है। एप्पल कंपनी की स्थापना 1976 में हुआ। इसके CEO टीम कुक हैं। इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष आर्थर लेविंसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अल्बर्ट उडरेजो का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो उनका संबंध चित्रकार के क्षेत्र से था। अल्बर्ट उडरेजो फ्रांस के जाने माने पत्रकार थे। चित्रकार होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, चित्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप लॉन्च किया है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री ने COVID-19 ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, COVID-19 में आपको बता दें, को का पूरा नाम हो जाएगा कोरोना और वी और आई का हो जाएगा वायरस और डी का हो जाएगा डिजीज और 19 जो है 2019 वर्ष को लिया गया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिमो ने कोहिमा में यह ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उन व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने 6 मार्च के बाद नागालैंड में प्रवेश किया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिमो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड के उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा में इसकी सीटें 1 हैं, राज्यसभा में सीटें 1 हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। किस देश के प्रधानमंत्री को कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है।
ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी लंदन है, इसका करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने टेल हर एवरीथिंग के लिए काल्पनिक श्रेणी में द हिंदू पुरस्कार 2019 जीता? तो मिर्जा वाइद ने जीता, यह भारतीय उपन्यासकार हैं। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की? तो आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की, इसका स्थापना जून 1994 में हुआ था। इसका हिंदी नाम है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, और ये भारतीय बाजार के कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी भारत में शाखाएँ 2883 हैं और यह 19 देशों में मौजूद है, और इसका पूरे भारत में 10,021 ATM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की राजकुमारी को राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो स्पेन की महारानी का कोरोना के कारण निधन हो गया 84 वर्ष की उम्र में। दोस्तों स्पेन के बारे में मैं कुछ बता दूं, यह एक यूरोपीय देश है और यूरोपीय संघ का राष्ट्र है। यूरोप के दक्षिण पश्चिम में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्पेन देश स्थित है, और पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन को फ्रांस से अलग करता है, और स्पेन की भाषा स्पानी है। तो दोस्तों ये थे हम लोग के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।